हस्बैंड ने किया है ऑर्डर सिटी मॉल से कुछ ग्रॉसरी, क्योंकि इसकी काफ़ी ओपन इट एंड चेक इट। चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हस्बैंड ने ऑर्डर किया है सिटी मॉल से। तो ये है हरियाणा किंग लॉन्ग ग्रेन राइस, बिरयानी चावल है, बिरयानी का राइस है, तो ये ऑर्डर किया है इन्होंने। एंड सेकंड वन इज़ ये वानिया ई वॉश, ये सर्फ है वॉशिंग मशीन के लिए, तो डिटर्जेंट पाउडर, लेट्स ट्राई इट। उसके अलावा ये रेड चिली पाउडर, मैगी, एंड ये है जी शुगर, और ये है गरम मसाला पाउडर, एंड ये है टर्मरिक पाउडर, एंड वन में मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी की है वो है जी ये ऑयल फॉर्च्यून का। तो सिटी मॉल में भी अब अवेलेबिलिटी है, आप ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और जी मुहर्रम की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट मैंने पोस्ट की है क्योंकि बीच में व्लॉग्स नहीं कर पा रही थी, आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल स्विच कर दिया था व्लॉग्स करना, बट बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कॉमेंट्स करे, रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ बैक हो, वापस आओ अपने व्लॉग्स के साथ, हमें पसंद है। तो फिर मैंने उन लोगों की मोहब्बत, उन लोगों का प्यार देखकर मैंने वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। सेप्टेम्बर से मैंने स्टार्ट कर दिए थे व्लॉग्स लाइव करना, इसीलिए मेरे पास बहुत पुराना ब्लॉग पड़ा था मुहर्रम का बॉम्बे स्पेशल बिरयानी, तो वो मैंने आज लाइव कर दिया, आप लोग प्लीज़ अपना प्यार देना उसमें। सो या अब ये पता, ये इसके नेक्स्ट ही जाएगा, इसके बाद ही जाएगा ब्लॉग, तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करी है, तूबा कमर ने, तो थैंक यू तूबा, बहुत अमेजिंग रेसिपी तुमने मुझे बताई है। और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पसंद भी बहुत है मीठा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड बिग लवर हैं चीज़ एंड स्वीट्स के, तो इसीलिए मैं आज उनके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी शूट करने जा रही हूँ, अमेजिंग बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने देसी घी निकाला, आप देख सकते हो जो हम मलाई से निकालते हैं, मैं हमेशा प्योर देसी घी ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं नहीं यूज़ करती हूँ बिल्कुल भी बाहर मार्केट का, मैं एक बार कर चुकी हूँ बट मुझे सीरियसली पर्सनली मुझे नहीं पसंद आता है बाहर का घी, तो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ। तो मैं घर का ही मलाई जोड़ कर, क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं ब्रेकफास्ट में, तो मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, तो मैंने घर का निकाला है, कई बार शेयर भी किया है आप लोगों के साथ घर का घी कैसे निकालते हैं, रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो जी चलो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मैं बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। इस मलाई को जो हम बनाकर घी निकालते हैं उसमें ये मावा निकल आता है, आप देख रहे हो ये मावा, हाँ तो ये मावा निकल आता है, तो इसको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं जो कि मुझे तूबा ने बताया, थैंक यू तूबा, आई लव यू, इंशाल्लाह बस ये बहुत अमेजिंग बने, फिर देखते हैं इसको लास्ट में मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर ये मलाई जो बची थी इस, उसने मुझे जो मेजरमेंट बताया था वो बताया था कि राइस लेना है सेला, बट एक्चुअली मेरे पास जो है हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी हैं आज अपने मार्केटिंग के बिज़नेस के मसले में, तो अभी मैं किसी से मंगा नहीं सकती हूँ, मेरे घर पर बासमती राइस रखे हुए थे तो सोचा क्यों ना इसे ही हम यूज़ कर लें सेला की जगह, लेट्स सी। तो यहाँ मैंने ये 1.5 कप मैंने राइस लिए हैं और 1.5 कप ही मैंने शुगर ली है, और ये मैंने मावे में इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे, साथ ही इसको बॉईल करेंगे इलायची डालकर, और फिर हम इसको लेयर अप करेंगे विद घी, तो ये बन जाएगा हमारा जर्दा, मावे वाला गोल्डन जर्दा जो होता है ना वो बन जाएगा, वैसे मेरे पास फूड कलर भी है मैं ऐड करती। तो चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। मेजरमेंट मैंने आप लोगों के साथ दिखा दिया, अब हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर दिया, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, छोटा सा ही ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, बस जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि आप भी ऐसे लेफ्ट ओवर जो ये मावा बच जाता है तो हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली घी मेरा फेवरेट है, मेरे और मेरे हस्बैंड का, हम लोग का मतलब वी आर बिग 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 घी लवर, देसी घी लवर, नॉट डालडा, देसी घी लवर हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर मैं कैरमलाइज कर रही हूँ शुगर, ठीक है जी, आपको आई होप मेरी आवाज़ क्लियर हो रही हो, तो यहाँ कैरमलाइज करूँगी एंड इधर बॉईल करूँगी बासमती राइस, क्योंकि सेला राइस नहीं है, आप लोग सेला में ही ट्राई करना क्योंकि उसमें ही मज़ा आता है जर्दे का, बट मैं जो जर्दा बना रही हूँ बासमती में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सेला राइस नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है। और आज हमने सिटी मॉल से मेरे हस्बैंड ने ग्रॉसरी की थी, कल उन्होंने जो है बुक कर दी थी सारी चीज़ें मॉल से और वो आज हमें डिलीवर हुई हैं, तो मैं उसकी जो क्लिप्स मैंने बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इस ब्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो मुरादाबाद में रह रहे हैं वो लोग भी सिटी मॉल से ग्रॉसरी ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं एंड घर बैठे आप सारा सामान मंगा सकते हो। तो मुझे काफ़ी, अब ये जो शुगर मैंने यूज़ की है और जो राइस मैंने लिए हैं मैंने वहीं से मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए हैं, तो आप लोग भी घर बैठे ईजिली
मंगा सकते हैं एंड बना सकते हैं। जस्ट लाइक मिल्क केक, तो मदर लॉ कह रही है बिल्कुल मिल्क केक का ही बनेगा, बट लेट्स सी इसका क्या है कैसा। मेरा फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर हम पहले मावा बना लेंगे अच्छे से। तो ये जी बन रहा है अभी मावा, अभी मैं इसको अच्छे से थिक कर लूँगी पूरा, इसकी कंसिस्टेंसी अभी तो लिक्विड है। तो चलो सो गाइस, यहाँ पे मैंने बासमती राइस जो है बॉईल करने छोड़ दिए हैं यहाँ पर जी, आप देख सकते हैं। और इधर जो है हमने मावा बनने ये भी रख दिया है, ठीक है। तो बस, और ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहें इट्स टोटली ऑप्शनल, मैं थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से। तो यस, और ये देखिए कैसे लिड को छोड़ रहा है, आप देख सकते हो छोड़ रहा है ना। तो अभी इसको हमें और कुक करना है, और साथ ही इधर बॉयल हो रहे हैं जी मेरे बासमती राइस। तो मैं अभी अपनी मदर-इन-लॉ को बोल रही हूँ कि आज मीठी बिरयानी बन रही है लेयर्ड वाली। मैंने इसको इस लेवल तक कुक कर लिया, आप देखें काफ़ी थिक हो गई है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है गैस बंद कर देना है, और इधर मैंने राइस भी बॉयल कर लिए हैं आप देखें, बासमती राइस, ठीक है। बस इतना ही हमें रखना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है। और अब हम निकालते हैं इसको, मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं राइस, और इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने स्ट्रेन कर लिया, और ये थोड़ा सा मैंने ना ऐसा बर्फ़ी टाइप काइंड ऑफ मैंने करा है, देखती हूँ कैसा रहता है। इसको मैंने जमाने रख दिया है। तो यहाँ पर राइस बॉयल हो गए, आप देखें बासमती राइस है ये, ठीक है, लॉन्ग ग्रेन। तो इधर ये कैरमलाइज हो गया है, अब बस अब मैं लगाती हूँ लेयर। यहाँ मैंने वेसल चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। अब हम इसमें जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम घी डालेंगे एक स्पून, और फिर हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने जो अभी जस्ट घी निकाला है वही मैंने इसमें 3 स्पून ऑफ घी डाला है। अब मैं सबसे पहले लेयर लगाऊंगी राइस की, एंड देन हम इसकी लगाएंगे कैरमलाइज की, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लेयर लगाकर आपको, तो मैंने फर्स्ट लेयर लगा दी है, और अब मैं लेयर लगाऊंगी इसकी। तो इसे हम लेते हैं इस तरीके से, और बिस्मिल्लाह हम इस पर स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है घी इसके ऊपर थोड़ा सा, और लेके ये हो गया पूरा। और अब जो है हम इसको पूरा ये लेयर अप कर दिया, और हम इसे थोड़ा सा स्टीम लेंगे। अभी मैंने इसको जस्ट चेक किया है, बहुत ही मज़ेदार सी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैली हुई है। आप चाहें इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, बट मुझे एक्चुअली ये ऐसे ही खाना है। तो या गाइस आप देख सकते हो, अभी हम इसको थोड़ा सा स्टीम और देंगे, तो लिड कवर कर देते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन इट एंड चेक इट के कैसे बने हैं। तो मैंने इन्हें क्या किया था ना, ये मिक्स कर दिया था, क्योंकि नीचे से अजीब सा कुछ हो रहा था, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया था। और ये मिक्स करके कुछ इस तरीके से ये बनकर रेडी हुए हैं। तो अब ये जो है सर्विंग के लिए रेडी हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका, ट्रस्ट में आप लोग ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। अब इसे सर्व करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं जी। बनकर हो गया रेडी मज़ेदार सा ब्राउन जर्दा, और आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत 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 डिलीशियस बना है। क्योंकि इसलिए बना है क्योंकि इसमें देसी घी है, इसमें मावा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बासमती राइस है, बहुत ही टेम्पटिंग बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो बस सच में बहुत मज़े की रेसिपी तुमने बताई, और मैंने देखो शेयर कर दिया, अभी लाइफ टाइम मेरे पास रिकॉर्ड हो गई है। सो गाइज़ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी मीठी स्वीट मज़ेदार सी देसी घी वाली रेसिपी जर्दे की, ब्राउन जर्दे की पसंद आई है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आप लोग अगर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर देना फॉर ऑल नोटिफिकेशन अपडेट। सो या गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। नहीं क्या हाल है भाई, आइसक्रीम टाइम।